काफी गणेश मंडलों को नाराजगी होती है, काफी उत्सवों को लेकर, काफी धर्मों के हमारे जो भाई बहन है उनको लेकर कहीं ना कहीं इस ध्वनि प्रदूषण को लेके एक खिटपिट खिटपिट उनके मन में चलती है, और उन्हें लगता है कि हमारे जैसे लोग उनके इस खुशी में कहीं ना कहीं बाधा बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भाइयों और बहनों, उत्सव उत्सव की तरह ही मनाना चाहिए, उत्सव को उन्माद में नहीं बदलना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के बहुत सारे पहलू हैं, और अगर एक अकेली मैंने ही समझाया तो आप भी बोर हो जाएंगे। सेकेंड वेबिनार, सेकेंड एपिसोड ध्वनि प्रदूषण का आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो फाइटर्स जिन्होंने अपने तन मन और धन और उसके ऊपर सबसे बहुमूल्य अपना समय दिया, क्योंकि क्या होता है ना, ये तो आपको पता है कि हर बात है ना, हाथ जोड़ने से लोग नहीं समझते, प्यार से समझाने से नहीं समझते, कहीं कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं हमने कानून तोड़ते तोड़ते हम इतना आगे आ गए कि हमने उस तोड़े हुए कानून को ही, उस उन्माद को ही कानून बना दिया। तो ये ऐसे फाइटर्स हैं जिन्होंने अपना सब कुछ स्वयं से आगे आके जनहितार्थ काम किया, और उन्होंने उच्च न्यायालयों में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी, क्योंकि कानून से बड़ा तो कोई नहीं है, नोबडी इज अबाउट लॉ। सो इस ध्वनि आभास के सेकेंड वेबिनार में हमारे साथ आज सभी कानूनी दिग्गज जुड़े हुए हैं, जिनमें वैद्यकीय हैं, जिसमें एक नागरिक हैं, इसमें जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने दिल से ध्वनि प्रदूषण के इस प्रॉब्लम को समझा और उन्होंने उसकी सोल्यूशन कानूनी तौर से ढूंढी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा था कि समझाने से बात नहीं बन रही है। ये मेरा सौभाग्य होगा कि अगर आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो आवाज फाउंडेशन का नाम घर 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 तक फेमस है, घर घर तक पता है, लेकिन ये घर घर तक आवाज फाउंडेशन का नाम ऐसे ही नहीं पहुंचा है, एक बहुत ही लंबा संघर्ष है, और इस आवाज फाउंडेशन की आवाज है सुमेरा अब्दुलाली जी। सुमेरा अब्दुलाली जी, मैं आपको स्क्रीन पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। नमस्कार, नमस्कार, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अभी सुमेरा जी, आपका बहुत बहुत वेलकम ध्वनि आभास के इस द्वितीय वेबिनार में, और हम मन से आपको सैल्यूट करते हैं। मैम, आपने जनहितार्थ, जनहित में जितना काम किया, और आज हम आपको जितना जितना आपकी हम प्रशंसा करें उतना कम है। थैंक यू सरिता, आपने तो बहुत कुछ कह दिया। थैंक यू टू हिराली फाउंडेशन के आपने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया, और आपने जो भी कोर्ट में आपका भी हाथ है, जो आपने कंटेंप्ट पिटीशन फाइल की है उल्हासनगर में, उसी के वजह से काफी कुछ चेंज हुआ है। एंड आई थिंक जो ग्रास रूट चेंज बोलते हैं वो सभी मिलके करेंगे जब ही होता है। तो थैंक यू कि आप दूसरों को भी ये नॉइस पोल्यूशन के बारे में समझा रही है, ये सब वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कर रही है, और लोगों सबको जो कि जुड़े हुए हैं इधर। एंड ऑल्सो थैंक यू टू डॉक्टर बेडेकर के, उन्होंने जो किया उससे बहुत फर्क पड़ा। संतोष पचलाग एंड ऑफ कोर्स विद्या, जो कि पहली अमंग द फर्स्ट जर्नलिस्ट जिसने नॉइस पोल्यूशन का रिपोर्टिंग किया। तो जब मैंने शुरू किया इन 2002 एंड 3, तब किसी को पता नहीं था कि नॉइस पोल्यूशन क्या होता है और इसको क्यों कंट्रोल करना चाहिए। तो मैंने तो किया एक मिनट प्रदीप जी, आप फुल स्क्रीन, प्रदीप जी आप फुल स्क्रीन दीजिए सुमेरा जी को। थैंक यू। तो मैंने शुरू किया इसलिए क्योंकि मेरे अंकल थे सादली, जिनको तकलीफ होती थी क्योंकि उनके घर के सामने एक वेडिंग हॉल थी, और उन्होंने काफी कुछ काम किया, लेटर्स लिखे, और कुछ फायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमें PIL फाइल करनी चाहिए। तो वो काफी उनकी उम्र थी, उन्होंने कहा कि मैं साइन करूं PIL को। जब तब के मुझे कुछ नहीं आता था, ना कि PIL, ना कोर्ट, ना लॉयर, ना कुछ भी। तो मैंने साइन की और उनके साथ मैंने काम किया। उन्होंने मेरे पहले लॉयर से इंट्रोड्यूस किया, श्याम दीवान थे, उन्होंने जो अभी सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, सीनियर हैं, बट उस टाइम में काफ़ी जूनियर थे।
और उन्होंने ड्राफ्ट किया, फाइल किया और हमें एक ऑर्डर मिला कि लाउड स्पीकर्स जो हैं वो रीजनेबली लो लेवल पे ट्यून करने चाहिए। और मैंने कहा ये ऑर्डर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रीजनेबली लो लेवल, जबकि आप लाउड स्पीकर काम में लेते हैं उसका यही मतलब होता है कि आपको साउंड बढ़ाना है। रीजनेबली लो लेवल चाहिए तो लाउड स्पीकर की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर हम उन्होंने कहा मुझे, श्याम दीवान और मेरे दूसरे वकील ईश्वर नानकानी, कि आप जाके माप करो। और मुझे किसी ने एक छोटा सा हैंड हेल्ड मीटर दिया और बोला ये आप लीजिए एंड गो एंड मेजर नॉइज। तो मैंने कहा बट ये तो मुश्किल है एनीवे। मैंने जाके और मेजरमेंट किया और वो मेजरमेंट्स कोर्ट में दिए और पहली बार हमें साइलेंट जोन का ऑर्डर मिला इन 2003 के साइलेंट जोन्स में, क्योंकि हमने ये दिखाया कोर्ट को कि जबकि आप लाउड स्पीकर चालू करते हैं कहाँ भी कभी भी तो जो डेसिबल लेवल होना चाहिए उससे ज़्यादा, उससे कम हो ही नहीं सकती है। इट्स इम्पॉसिबल कि आप लाउड स्पीकर काम में लाओ और डेसिबल लेवल मेंटेन करो। तो फिर कोर्ट ने कहा कि जो एरिया साइलेंट जोन के डेफिनेशन में फिट करती है वहाँ पुलिस को चेक करना है कि लाउड स्पीकर के परमिशन नहीं दें। और फिर हम लोग ये कोर्ट का हियरिंग होने के बाद कोर्ट के कॉरिडोर में मैं खड़ी थी अपने वकील के साथ, तो मेरा जो पहली जर्नलिस्ट मुझे मिली एवर वो मिली एंड शी सेड कि ये ऑर्डर को आप इम्प्लीमेंट कैसे करने वाले हैं। और मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था कि ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं या कि हम, हमारा काम भी हो सकता है कि हम ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें, कोर्ट का ऑर्डर। तो मेरे वकील मेरे बाजू में थे ईश्वर, उन्होंने कहा कि आप उनको आपका नंबर दे दीजिए एंड आस्क पीपल टू कॉल यू टू मेक कंप्लेंट्स। तो मैंने कहा कॉल करेंगे तो कहा कौन से नंबर पे, तो उन्होंने कहा आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए। तो मैंने उनको मेरा मोबाइल नंबर दिया एंड नेक्स्ट डे टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे मेरा मोबाइल नंबर प्रिंट हुआ विद द मैसेज के एनी नॉइज कंप्लेंट्स आप ये नंबर पे कीजिए। तो उस और वो नवरात्रि के पहले था, नवरात्रि के 10 दिन आई डोंट थिंक मैंने बिल्कुल भी सोया, देयर वर हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स और मुझे खुद को नहीं पता था कि इसका कैसे हैंडल करना। तो मैंने कहा कि आप पुलिस के 100 पे कंप्लेंट करिए, और जो कि पुलिस को इतने सारे कॉल्स एक साथ में आए एंड क्योंकि मैंने उनको कहा था कि वो पुलिस को क्या कहना है तो सब कॉल्स एक सरीके के थे और लोगों को ये पता चला कि वो कंप्लेंट कर सकते हैं और पुलिस को पता चला कि लोग कंप्लेंट अभी करने वाले हैं एंड देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर। तो उसके बाद पुलिस ने अपने सिस्टम्स सेटअप किए ऑन 100 जो कि 2003 से आज तक चल रहे हैं वो सिस्टम, ऑफ कोर्स विद सम रिफाइनमेंट्स। और मुझे ये पता चला कि लोगों को क्या जात की तकलीफ हो रही है क्योंकि मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मुझे खाली ये पता था कि एक मैरिज हॉल है जिससे मेरे अंकल को तकलीफ हो रही है। बट फिर मुझे पता चला कि लोगों के क्या अलग अलग तरीके के नॉइज से तकलीफ हो रही है और उसमें ये मुझे पता चला कि फेस्टिवल्स इज वेरी हाई अमंग द लिस्ट क्योंकि उसके ऊपर डेसिबल लेवल्स आर लाउडेस्ट। बट दूसरे भी हैं जैसे कि रिलीजियस प्लेसेस हैं, ट्रैफिक है, कंस्ट्रक्शन है, और मुझे सीखने मिला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे ये सीखने मिला कि लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। लोग रोते थे फोन पे और लोग कहते थे कि हमको पता है कि आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकते बट कम से कम सुन रहे हैं और हम लोग को ये नहीं कह रहे हैं कि यू आर क्रेजी क्योंकि आपको इतनी तकलीफ हो रही है, तो इतना भी आप हमारे लिए करें तो बहुत हो गया। और लोग मैंने तो फिर मैंने मेरे पास मीटर था, मैंने जाके लोगों के कंप्लेंट्स पे कोशिश की जितना जा सकती थी, सब जगह तो नहीं पहुंच सकती हूँ बट जहाँ हो सकता था। और मैंने कुछ बहुत ही बुरे कहानियां देखे, मैंने देखा एक छोटा इन्फेंट जिसको कन्वर्जन्स हो रहे थे और लाउड स्पीकर्स चल रहे थे, लोग रोके नहीं। मैंने देखा ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, एक औरत थी उसको साइकोटिक फिट हो रहा था, किसी को हार्ट पैल्पिटेशंस हो रहे थे, किसी का के बूढ़े लोग थे घर में किसी के, और लोग मुझे कहने लगे कि दिस इज अ वेरी एलिटिस्ट सब्जेक्ट कि आप घर में बैठ के लोगों को कह रहे हैं कि आपको नॉइज नहीं करना चाहिए। बट ये फोन कॉल से मुझे ये मालूम पड़ा कि ऑल्सो जो स्लम ड्वेलर्स हैं वो कहने लगे कि ट्रैफिक की जो आवाज़ होती है, जो एलीट जो कहते हैं वो आवाज़ करते हैं, उससे हमारे पास ना कि खिड़की दरवाजे हैं ना एसी है, हम बंद नहीं कर सकते,
और हमारे नेबर्स इमीडिएटली बाजू में, हम कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ये मालूम पड़ा कि दिस इज नॉट एन एलिटिस्ट सब्जेक्ट, ये सबका प्रॉब्लम है। देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, मैंने फिर और भी पिटिशंस फाइल किए और ऑर्डर्स मिले, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला। एंड अगेन मैं जो मुंबई के लोग हैं उनको थैंक यू कहूंगी, खास करके जिन्होंने आगे बढ़ के और खुद PIL फाइल किए हैं। उनमें से पहला शुरुआत में अशोक रावत शिवाजी पार्क में फाइल किए, मैंने शिवाजी पार्क पे मेजर किया है, जबकि 2004 में एक पॉलिटिकल रैली हुई तो 3 दिन लाउडस्पीकर्स चले दिन रात को, रात के 2 बजे 110 डेसिबल्स था और चालू ही रहते थे। फिर किसी की हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़ के शिवाजी पार्क के बारे में लड़े, बट अशोक रावत ने किया। मैंने उनके साथ वकील के पास गई एंड उनके ड्राफ्टिंग में मदद किया, उनको कैसा करना उनके लिए रीडिंग्स लिया, उन्होंने फाइल किया, उन्होंने शिवाजी पार्क को साइलेंट जोन बनाया। दूसरे लोगों, एक हाई कोर्ट जज थे, उन्होंने PIL फाइल किया, उन्होंने ही फाइल्ड अगेंस्ट एक मस्जिद था उनके घर के बाजू में जिसका नॉइज मैंने माफ करके उनको दिया, एंड अगेंस्ट रेलवे नॉइज, और उनका PIL भी सक्सेसफुल हुआ, वो मस्जिद की आवाज भी बंद हो गए। और अभी मैं 2005-06 की बात कर रही हूँ, अभी की बात नहीं कर रही हूँ। और उनके जो रेलवे सीवरी के पास रेलवे जिसके हॉर्न बजते थे क्योंकि एक दीवार टूट गई थी एंड पीपल यूज टू क्रॉस, उन्होंने दीवार बना दी, उनका वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद मैंने दूसरा PIL फाइल किया इन 2006 ऑन अगेंस्ट ट्रैफिक एंड कंस्ट्रक्शन नॉइज एंड फायर क्रैकर्स। और उसके बाद आफ्टर अशोक रावत फिर डॉक्टर महेश बेडेकर ने ज्वाइन किया, उन्होंने काफ़ी कुछ काम किए किया अबाउट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, खास करके थाने में। फिर संतोष पचलंग ने फाइल किया अगेंस्ट रिलीजियस प्लेसेस, दूसरों ने फाइल किया, जबकि हमारी फाइनल हियरिंग हुई इन 2016 तो 10 PIL जुड़ के और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर मिला, और 2016 से अभी तक उसके कंप्लायंस हियरिंग्स चल रहे हैं। वो कंप्लायंस हियरिंग्स में सरिता जी ने भी PIL फाइल किया, कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल किया इन उल्हासनगर। तो जो भी आप उल्हासनगर में रहने वाले लोग जो कि ये वेबिनार में हैं, वो उसके बेनिफिशरीज हैं जो सरिता ने काम किया, बट सब ने मिलके काम किया है, गणेश मंडल ने भी काम किया है, एंड आई एम ग्रेटफुल टू एवरीबॉडी। थैंक यू सुमेरा जी। आपको सुनने से तो ऐसा लग रहा है कि बस हम सुनते ही रहें, लेकिन आपके मुस्कुराहट के पीछे एक लंबा संघर्ष है। ये एक बहुत ही दर्द भरी जर्नी है, ये इतना आसान नहीं है जितना सहजता से आप कह गई। आपकी मुस्कुराहट ने इतना सहजता दिखाई, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही लंबी और कठिनाई भरी आपकी ये यात्रा रही है और आज भी आप स्ट्रगल कर रही हैं। मैडम सिर्फ एक ये बात बताइए कि आप महिला हैं और हमने इतना ज्यादा आपके बारे में न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है, तो आपको डर नहीं लगता मैम? डरने का क्या है, मुझे तो लगता है कि जो मुंबई का शहर का स्पिरिट है वो और कोई सिटी नहीं है दुनिया में जो ये स्पिरिट है। और मैं ये कहूँ कि जो मुझे इंस्पिरेशन देती है, नॉट ओनली कि ये जो बहुत सैड स्टोरीज मैंने सुने, बट ऑल्सो कि जब कि पहली बार मैंने कहा नवरात्रि के दिन में जितने कंप्लेंट्स मिले, और मुझे ये लगा था कि जो नवरात्रि मंडल है वो तो मेरे से बहुत ही नाराज होंगे नेचुरली, बट नवरात्रि के बाद में वन ऑफ द बिगेस्ट मंडल ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे फोन किया और उन्होंने ये कहा कि हम मानते हैं कि आप जो कह रहे हैं सो बराबर है, इट्स करेक्ट, क्योंकि हमको पता है कि इससे क्या तकलीफ होती है, एंड माई डॉटर इज स्टडिंग फॉर डूइंग सम स्कूल प्रोजेक्ट, और प्लीज आप उनको गाइड कीजिए कि वो प्रोजेक्ट कैसा करे। और मुझे ये पता चला कि लोग, मुंबई के लोग अलग ही लोग हैं, वो सुनने राजी हैं। अगर हम, इट्स नॉट यू अगेंस्ट मी एंड आई एम नॉट अगेंस्ट यू, अभी मुझे बहुत खुशी होती है कि सब लोग मिलके, जो गणपति मंडल है उन्होंने तो वॉलंटियरली काम कर दिया, जो पॉलिटिशियंस जिनको पता नहीं था, ऐसा नहीं कि वो बुरे दिल से उन्होंने कुछ किया, उनको पता नहीं था मे बी, और काफी टाइम लगा, एजुकेशन को टाइम लगता है, माइंडसेट को टाइम लगता है, बट मुंबई हैज स्टेप्ड अप एंड अलॉन्ग विद मुंबई पुलिस, लास्ट ईयर हमने मुंबई का उसको थैंक यू का एक रिलीज किया था अलॉन्ग विद मुंबई पुलिस कमिश्नर, थैंक यू मुंबई कर्स फॉर सेलिब्रेटिंग द क्वाइटेस्ट फेस्टिवल सीजन एवर। सो
मैं क्या कहूँ, इट्स नॉट मी एट ऑल, इट इज सब लोग मिलके, एंड आप यू आर हाई ऑन दैट लिस्ट सरिता, बट देर आर मेनी अदर्स, द सिटी ऑफ मुंबई, आर एडमिनिस्ट्रेशन, आर पॉलिटिशियंस, उनको थोड़ा वक्त लगा, बट वी हैव रीच्ड देयर। बहुत 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 आपका शुक्रिया। ये मधुर आपका जो सरल स्वभाव है, लेकिन मुझे पता है आप अंदर से बहुत निडर हैं, आप अंदर से बहुत ही मेहनती हैं, और आप सभी के लिए एक प्रेरणा है, यू आर एन इंस्पिरेशन। और आपको देखकर मुझे आज इस मंच द्वारा सभी अपने दर्शकों से कहती हूँ कि इस महिला को देखकर ही सही, लेकिन आप जरूर प्रेरणा लीजिए, और ध्वनि प्रदूषण की जिस तरह भी हो सके आप आगे आकर उसे रोकने का प्रयत्न करिए। सो मेरा मैम बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, फॉर ब्लेसिंग अस। थैंक यू सरिता। How are you, ma'am? It's been long time that I've seen you. I know. It's been such a strange time in lockdown, right? And yes. And the thing is, the noise levels which have gone down. So I think we're enjoying it while we can. Yeah, and the other thing is that I'm getting lots of complaints now because people are home. About religious places, so that's going to be actually my next campaign, because traffic has died down and I think we can get it more now. So I think Santosh Mahesh Bedekar ji ko bhi bahut saalon baad dekha hai maine. Yeah. Actually, वो मीडिया हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इनटू दिस, क्योंकि कोर्ट्स से जजमेंट्स जो मीडिया में डिस्कशन हुआ उसके बिना ये लोगों तक पहुंचता नहीं था। एक्चुअली मीडिया ने बहुत बड़ा रोल इसमें किया है। एंड सरिता जी जैसे बोल रही थी, एक चीज में जाए, जैसे कि यूज्ड टू सी ऑल योर राइटिंग जी, जैसे सुमेरा मैम अभी बता रही थी, जैसे कि काफी थ्रेट लगता था कि यू नो रिलीजियस बना रहे थे लोग इसका। तो आई रिमेम्बर कि जब हम लोग कवर भी करते थे तो बहुत सारे लोग हमें कहते थे कोर्ट की को ये सब करने की क्या जरूरत है, हम देख लेंगे, यू नो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड वाज देयर। बट आई थिंक आप लोग पर जितने भी लोगों ने कुछ भी कहा, लेकिन आप लोग फिर भी डटे रहे, और ये पूरा मुद्दा आप लोगों ने कोर्ट में जिस तरह से देखा, इट वाज रियली हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। सरिता मैम, समेरा मैम, महेश जी, आप लोग से तो आपके पीआईएस कवर कर करके हमने इतने साल आगे देखे हैं हमने। थैंक्स विद्या, एंड इट्स सो गुड कि सब लोग जो जुड़े हुए हैं फ्रॉम डिफरेंट रिलीजंस। सो कोई कहने सकता है कि नॉइस पोल्यूशन कैंपेन इज अगेंस्ट वन रिलीजन, हम सब ही अलग हैं, यू नो, वो एक बहुत ही अच्छा है। आवाज ब्रेक हो रहा है टू द जर्नलिस्ट। जी बिल्कुल, आपने कहा पुलिसमैन एंड जर्नलिस्ट ऑन द रोड सफर द मोस्ट। That's true. As आवाज ब्रेक हो रहा था, as सुमेरा भी जी बोल रही थी कि when the intentions are very clear कि we are not against any religious festivals or we are not against any religion, that so but as everybody as of us have experienced, लोगों के मन में एक डर है, और I think that was वो मेरे को गलत लग रहा था। We are living in a democracy, और हमको डरना किससे है, जिनको हमने इलेक्ट किया है उनसे मैं डरने लगा? So that is absolutely not acceptable. So many times I had confronted with them, confrontation in a good way, कि मैं आपसे क्यों डरूं? मैं आपका, I am not trying to tell you something wrong. मैं आपके, I am not against, मैं एक religion के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक मंडल के लिए नहीं बोल रहा हूँ। So when our intentions are clear, ये लोगों के मन में वहम है, बहुत कैसा रहता है, अगर if your intentions are not clear, if they are political, then वो डरना is वाजवी रहता है। बट सुमेरा जी का, पंचाला जी का इंटेंशंस आर क्लियर, वी वांट टू हैव अवेयरनेस इन द सोसाइटी। सो आई थिंक पीपल शुड कम फॉरवर्ड, सरिता जी भी बहुत आगे फॉरवर्ड आके काम कर रही है। सो बहुत लोग ऐसे जुड़ रहे हैं विद्या मैम, बट लेकिन जैसे हम लोगों ने देखा था कई बार होता था कि क्योंकि आप तो कोर्ट में रहे, आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आए, और उसका जब इम्प्लीमेंटेशन होता था तो हमें जाना पड़ता था, जैसे किसी मंडल के पास गए या कहीं गए, तो सब यही पूछते थे कौन सा कोर्ट ने आदेश दिया, क्यों दिया, ये पेटिशनर कौन था, यू नो, और नाम जानने के पीछे हमेशा रीजन रिलीजन जानना होता है, तो वो क्यों पीछे पड़ा है हमारे, यू नो, वी हैव एक्चुअली हर्ड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल। बहुत लोगों ने हमसे पूछा, अरे ये तो हिंदू है, ये क्यों हमारे पीछे पड़े हैं,
specifically to you, say for example, Mr. Bedekar. So you know, because you know, a lot of people have asked many such questions, and as hum bhale nahi kahe ki, you know, like religion is not the reason why we are doing it, but log hamesha se, you know, ek एनिमी ढूंढने की कोशिश करते हैं शायद, जिसकी वजह से उनको लगता है कि नहीं है हमारे रिलीजन की वजह से. बट इट्स हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू दैट यू आप लोग खड़े रहे, आप लोगों ने पूरा ये संभाल के किया, केप्ट इट अवे फ्रॉम रिलीजन, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, आप लोगों ने वो उसको मेंटेन किया कि हम उससे जुड़ के नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ नॉइज के खिलाफ हैं. दैट वाज हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू. विद्या जी, आपकी और मेरी तो पहचान नहीं है. थैंक यू फॉर कवरिंग ऑल आवर स्टोरीज ड्यूरिंग द पीरियड. लेकिन ये बात ये है कि नॉट ओनली वी पीपल, सिस्टम आल्सो, सिस्टम जो एंटायर सिस्टम है, जो प्रशासन है जी, उसको भी थोड़ा एजुकेट करना चाहिए, उसको भी थोड़ा, क्योंकि कोई फोन करता है 100 नंबर को तो उसे पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या है. बिल्कुल. या लोकल पुलिस स्टेशन को फोन किया जाता है तो उसको पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या है. अगर नाम बताएगा वो तो डर नहीं लगेगा ना. तो सिस्टम को भी ये समझना चाहिए और उस तरह से एजुकेट करना चाहिए. इसके लिए हमको सिस्टम के ऊपर भी थोड़ा काम करना है जरूरी है, नॉट ओनली सोसाइटी. That I agree with, totally agree with you, sir, on that. Because a lot of times it is the policemen who are like at times like अरे जाने दो ना क्या है, you know, that चलता है, attitude comes in between at times. विद्या मैम जी, सरिता मैम का कनेक्ट नहीं हो रहा है, वो बोल रहे हैं आप ही वाइंड अप कर दीजिए. जी श्योर. तो बेसिकली काफी सारे लोग हैं इस वक्त जुड़े हुए और कोशिश हमारी सिर्फ यही थी कि बात करने की, कि हम लोग यही सोच रहे थे कि नॉइस पोजीशन को लेके कितनी क्या क्या हुआ है और क्या और करने की जरूरत है, ये सब बातें हम लोग करेंगे. तो आपने देखा कि अभी काफी कुछ बातें हुई हैं. इसी तरह से सरिता कांचनदानी जो है उल्हासनगर में, उन्होंने काफी कुछ काम किया है और आसपास के इलाकों में भी वो न सिर्फ नॉइस पोल्यूशन को लेके, बहुत सारे और भी मुद्दे हैं जिनसे वो जुड़ी हुई हैं, वो सब मुद्दों को लेकर उन्होंने काम किया है. तो इन सब मुद्दों पे फिलहाल हम लोग और भी चर्चा करेंगे, बात करते रहेंगे.